हमारा संविधान जो है उसके नजदीक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी आप इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर फेथ यू फॉलो रिलीजन आप एक बराबर है संविधान की नजर में। लेकिन क्या कुरान की नजर में बराबर है? तो आप देखिए सूरह बय्यिना सूरह नंबर 98 इसकी आयत नंबर 23 है, क्या कहती है, सॉरी हाँ आयत नंबर 6 है, क्या कहती है? इन्नल लदीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन फी नार जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शरुल बरिया। आपका कुरान आपका अल्लाह ये कह रहा है कि जो लोग काफिर है यानी अहले किताब और मुशरिक वो दोजख की आग में पढ़ेंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग सब मखलूक से बदतर है, जो मुशरिक है पॉलिटिस्ट है अहले किताब है यानी हिंदू क्रिश्चियन, इसको आपका कुरान कहता है कि ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। आप कह रही है कि सब एक है, आपका अल्लाह कह रहा है ये वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है यानी सुअर से भी गया गुजरा है, वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर है, शर्रुल बरिया। देखिए शर्रुल बरिया के ताल्लुक से अब इसमें लैंग्वेज को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक मिसाल से बताता हूं, अगर हम किसी से कहें तुम तो शेर से भी ज्यादा बहादुर हो, शेर से भी ज्यादा बहादुर हो, तो बोले अरे मेरे पास पूंछ तो नहीं है, टेल शेर की देखो पूंछ है, बोले मेरे पास पूंछ तो नहीं है, तुमने कहा शेर के जैसा हूं मैं, शेर के जैसा हूं, तो शेर के पास पूंछ होती है, शेर कपड़े नहीं पहनता, मैं कपड़े पहनता हूं, शेर बोल दिए मुझे, शेर तो बेचारा बिना कपड़ों के घूम रहा है, उसके पास पूंछ है, मेरे पास पूंछ थोड़ी है, टेल नहीं है मेरे पास। हाँ तो ये क्या है, हम कहते हैं जुबानी समझ में नहीं आई। अब ये लोग क्या बोलते हैं ना, बोले देखो जानवर से बदतर, और ये लोगों को मैंने कहते सुना है, बोले कॉकरोच जिसको मारते हैं हम लोग, कॉकरोच को मारते हैं, सुनो क्या बोल रहा है वो बोले कॉकरोच को हम मारते हैं, ये बोले कॉकरोच से बदतर है। अब यहां पे बात क्या है ना, वो कॉकरोच में फर्क है भाई, एक शख्स नॉन मुस्लिम भी है ना, उसके राइट्स है, उसकी जान की हिफाजत का हक है, उसके माल की हिफाजत का हक है, उसके मजहब की आजादी का हक है, इंसाफ का हक है, ये सब राइट्स होते हैं, इंसानी भाईचारा का हिस्सा है, पड़ोसी का हक होता है, अच्छे अखलाक का हक होता है, हिदायत की दुआ का हक होता है उसके। तो यहाँ पे कहना कि ये जो कहा ना कि कॉकरोच यानी क्या, ये क्या कर रहे हैं कुछ, ये पूछ वाली एग्जाम्पल है, बस इनके लिए ये एग्जाम्पल फिट है कि यहाँ पे जो वर्स देन एनिमल्स कहा ना, तो उससे इबरत हासिल करनी चाहिए थी, जो कुरान की आयत है ना सोचने पर आमादा कर रही है। एक इंसान अगर वैसे जी रहा है ना तो ये पढ़ के सोचेगा नहीं नहीं मैं तो जानवर से अच्छा बुरा नहीं हूं, सोचेगा थोड़ा, एटलीस्ट दिमाग ओपन करेगा। तो यहाँ दिमाग ओपन करने की जगह ये दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोले कॉकरोच जिसको मारते हैं, बोले कॉकरोच से बदतर हैं, सोचो यानी क्या बताना चाह रहे हैं ना कि मुसलमान तुम्हें मारेंगे। हालांकि इस्लाम के अंदर यहाँ पे आप जो आयतें पढ़ोगे कुरान की, जहां पे जान की हिफाजत की बात दी हुई, कहीं भी नहीं दिया है कि सिर्फ मुस्लिम की जान की हिफाजत की गारंटी है। कुरान में आता है कि मन कतल नफसन बिगैरी नफसिन और फसाद इन फिल, जो एक जान का कत्ल करे, हाँ तो नफ्स वहां पर दिया है जान, ये नहीं दिया मुस्लिम जान, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी मासूम जान का कत्ल करे ऐसा है जैसे सारे इंसानों का कत्ल किया है, कुरान की आयत है सूरह 5:32। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और एक फ्रॉड से ही काम चलता है ये लोगों का, ये लोगों का काम चलती है, दुकान चलता है तो फ्रॉड से चलती है इनकी दुकान। अगर ये पूरी सूरह पढ़ेंगे ना तो इनको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे किन की बात हो रही है। यहाँ पे वाज़े तौर पे दिया हुआ है हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, यहां तक कि उनके पास आ गई वाज़े दलीलें। हाँ वाज़े दलीलें आ गई, ये किन की बात हो रही है, कफरू इनकार करने वालों की, जिन्होंने वाज़े प्रूफ्स आने के बाद इनकार किया उनकी बात हो रही है। और आगे भी दिया हुआ है मिम्बादिमा जाअतहुमुल बय्यिना, इसके बाद भी कि वाज़े दलीलें उनके पास आ गई, यानी ऐसा नहीं था कि पता नहीं है, मालूम नहीं, मैसेज नहीं मिला, क्लियर प्रूफ मिला। और अल्लाह ताला ने कहा वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, उन्हें क्या हुक्म दिया गया था, बस यही कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, एक मालिक की, और दीन को खालिस उसके लिए अकेले कर दो, हुनफा हाँ खालिस अकेले उसके लिए, हक की तरफ मायल होते हुए, वयुकीमुस्सलाता नमाज कायम करो, वयुतुज़्ज़कता ज़कात दो, वज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, ये है वाज़ी क्लियर रिलीजन। तो फिर आयत नंबर 6 में जाकर आता है इन्नल्लज़ीना कफरू, यकीनन वो लोग जो इनकार करते हैं, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से यानी जूज़ और क्रिश्चियंस, वल मुशरिकीना और जो शिर्क करने वाले बाकी जो लोग हैं, फी नारी जहन्नमा वो जाएंगे जहन्नम की आग में, खालिदीन फीहा उसमें वो रहेंगे, उलाइका हुम शर्रुल बरिया ये वर्स्ट ऑफ द क्रीचर्स है। तो आइए हम इसके बारे में जो और जो आयतें हैं इस ताल्लुक से वो अगर कंपेयर करके देखेंगे, 2-3 और आयतें हैं जिसमें सिमिलर टॉपिक है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनफाल में सूरह 8 आयत नंबर 21-22, 2-3 सवाल एक साथ में जवाब हो जाएंगे, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। वला तकूनु कल्लदीना कालू समीना वहुम ला यस्माउन, अल्लाह ने कहा उन लोगों की तरह मत बनो जो कहते हैं हाँ हमने सुना लेकिन वो नहीं सुनते। इन्ना शर्रत दवाबी इंदुल्लाह, सबसे बदतरीन जान लिविंग क्रीचर्स, जो सबसे बदतरीन जो क्रीचर्स है जानदार है अल्लाह के नजदीक वो कौन है, सुम्मुल बुकमुल लदी ला याकिलून, जो बहरे गूंगे जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते, सोचते नहीं है, ये सबसे वर्स्ट क्रीचर है, शर्रत दवाब यानी वर्स्ट क्रीचर्स, वहां पे शर्रुल बरिया है, यहाँ पे शर्रत दवाबी है।
और एक और हदीस आयत है कुरान की, सूरह 25 आयत नंबर 44 सूरह फुरकान में, अम तहसबु अन अक्सरहुम यस्माउना, क्या तुम सोचते हो कि उनमें से अक्सर सुनते हैं, औ याकिलूना, या अकल इस्तेमाल करते हैं, इनहुम इल्ला कल अनाम, नहीं वो है बस चौपायों की तरह, अनाम की तरह, चौपायों की तरह, बल हुम अदल, नहीं उनसे भी ज्यादा भटके हुए, अदल सबील, उनसे भी रास्ते में ज्यादा भटके हुए हैं, चौपायों से भी ज्यादा भटके हुए। ये तीनों आयतों को देखकर अब आप सोचो कि इंसान जानवर से बदतर कब बनेगा। सोचो आप, ये जानवरों का मुंह देख रहे हो, इंसानों को अल्लाह ने अकल दी है, हायर इंटेलिजेंस दी है, कॉन्शियसनेस दी है, सूझबूझ दी है, सही गलत की समझ दी है, हम लोग सिविलाइजेशन बनाते हैं, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम वगैरह बहुत कुछ करते हैं। ये जानदार जानवर जो है ना, ये अपनी बेसिक लाइफ जीते हैं, इनका क्या होता है, खाना पीना जीना, बस उतनी जिंदगी होती है उनकी। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हायर इंटेलिजेंस यूज करते हैं, कॉन्शियसनेस यूज करते हैं। अब इंसान के पास इतनी ज्यादा अकल और सूझबूझ समझ के बावजूद अगर वो हक को देखकर आंखें बंद करे, सुनकर बहरा बने, प्रिटेंड करे कुछ समझ में नहीं आया, हालांकि समझ में आया सब कुछ, तो वो ये जानवरों से बदतर है, वो ये जानवरों से बदतर है। और जानवर जो है ये जहन्नम में नहीं जाने वाले, जन्नत में भी नहीं जाने वाले, लेकिन इंसान जन्नत और जहन्नम दोनों का चांस है। तो अगर एक इंसान हक को देखकर इनकार करता है तो वो जानवरों से बदतर हुआ कि नहीं हुआ, हक को देखकर, सच्चाई को देखकर, सत्य को देखकर इनकार करता है तो वो जानवरों से बदतर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ ना। जानवर बेचारे मासूम जानवर, उनको वो क्या है, अपने इंस्टिंक्ट्स पे चलते, इंस्टिंक्ट्स। हां, और कुरान में आता है लअल्लकुम ताकिलून, कुरान में 24 जगहों पे है अफला ताकिलून, सोचो, सोचो तो सही, समझो तो सही। अब इंसान को सोचने की क्षमता दी और नहीं सोचता ये जानवर से बदतर हुआ कि नहीं हुआ, और देखो कि तुम्हें सारे इतने उपकार मिलते हैं, एहसान मिलते हैं, ना शुक्रा इंसान, ना शुक्रा, अनग्रेटफुल है और अपनी देखने की कैपेसिटीज को यूज नहीं करता है। सामने जो है ना, सामने बस ये दिख रहा है, सामने इमीडिएट, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहा है। तो जानवर से बदतर हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें अल्लाह ने इंसान क्यों बनाया, बोलो ना। इंसान बनकर के तुम जानवर से बदतर काम कर रहे हो, और कर रहे हैं वो लोग, जानवर से बदतर काम कर रहे हैं, झूठ के साथ खड़े होते हैं, झूठ को सपोर्ट करते हैं सच को सपोर्ट करने की जगह। ये जानवर से बदतर काम हुआ कि नहीं हुआ, जानवर तो ऐसे काम नहीं करता है ना। तो मैं तो अपफ्रंट बोलता हूं, हाँ जानवर से बदतर है, अगर कोई ऐसा 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 कर रहा है, सच को देख के इनकार कर रहा है और सही बात को देखकर गलत बना, गलत बातों को सपोर्ट कर रहा है, झूठ को सपोर्ट कर रहा है, तो जानवर से बदतर है। हर रिलीजन का एक बिलीफ सिस्टम होता है कि नहीं होता है। जो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूं, महाभारत अनुशासन पर्व 114:11, भीष्म पितामह कहते हैं युधिष्ठिर को सबको के फूलिश पर्सन्स हु ईट द मीट ऑफ एनिमल्स मस्ट बी कंसिडर्ड द वाइलेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो फूलिश लोग जो जानवर का गोश्त खाते हैं उनको वाइलेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कहना चाहिए, यानी शरुल बरिया। देखो है उनका बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारा बिलीफ फॉलो करो, लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम वो है, तुम्हारा फॉलो करो, हम हमारा फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आजादी है। अब तुम हमें शरुल बरिया कह रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है तो हम क्या कहें, वो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, हम हमारा बिलीफ सिस्टम फॉलो करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आजादी है, आपकी भी आजादी, मेरी आजादी, और रॉन्ग नहीं कोट करना चाहिए हमें एक दूसरे को। उसी तरह ही हु डिजायर्स टू ऑगमेंट हिज ओन फ्लैश बाई ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर्स, जो अपनी गोश को बढ़ाना चाहता है किसी और का गोश खा करके, लिव्स इन मिजरी इन वॉट एवर स्पीशीज ही मे टेक बर्थ इन द नेक्स्ट बर्थ, यानी अगले जन्म में वो जो कुछ प्राणी बनेगा वो बहुत ही तकलीफ और मिजरी और परेशानी में रहेगा, महाभारत में दिया है। अब है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, हम लोग बात कर सकते हैं, वी कैन अग्री टू डिसअग्री, यानी हम डिसअग्री करने में अग्रीमेंट हो सकता है हमारा। और हिंदू महासभा ने कहा कि कोरोना वायरस एंग्री अवतार है जो मीट ईटर्स को पनिश करने के लिए आई है। तो ऐसे है बिलीफ सिस्टम क्रिश्चियंस में है कि जो बिलीव करता है कि जीसस डाइड फॉर हिज सिंस वो बचेगा, एवरलास्टिंग लाइफ मिलेगी, ऐसे बिलीफ सिस्टम बताया जाता है जॉन 3:16 की लाइट में, क्रिश्चियंस ये प्रीच करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर फिर से वही फ्रॉड वाली बात से ही चलती है इनकी गाड़ी। अब मैंने अपनी बातें शेयर की, अब आप लोग भी बताइए तो कि आप लोगों का क्या ख्याल है इस चीज के बारे में। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हम इस्लाम की तो ये खूबी है ना कि इस्लाम बाई बर्थ किसी को बुरा या गंदा नहीं कहता। इस्लाम की खूबी है ना, इस्लाम में इस तरह की जात बिरादरी का कोई नजरिया नहीं पाया जाता कि कोई इंसान, जैसे बहुत सारे मजहब में होता है कि भाई दलित है या चमार है या निचली जात का है तो वो अपनी बर्थ की वजह से ही बुरा है, अपने कर्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी बर्थ की वजह से बुरा है, अपनी पैदाइश की वजह से बुरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लाम की खूबी है। इस्लाम जो है ना वो उसके किसी इंसान के साथ इस तरह जानवरों जैसा सलूक करने की इजाज़त नहीं देता है।
बल्कि इस्लाम में जानवरों के जितने हुकूक बाज मरतबा है, बहुत सारे मजहब में निचली दलतों के, निचली जातों के इंसानों के भी वो हुकूक नहीं होते। तो ये इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम पैदाइश की वजह से किसी को बुरा नहीं कहता। इस्लाम ने इसलिए तय रखा है कि इंसान बुरा अपने अमल और अपने कर्म की वजह से होता है, तो अमल जितना बुरा होगा इंसान उतना ही बुरा हो जाएगा। अब क्योंकि सबसे बुरा अमल अल्लाह ताला के साथ गद्दारी है, कायनात के खालिक के साथ गद्दारी है, तो उनको सबसे बदतरीन मखलूक कहा गया। अब आप किसी ना किसी को तो बदतरीन मखलूक मानते होंगे दुनिया के अंदर ना, आप टेररिस्ट को बदतरीन मखलूक मानते होंगे, आप करप्ट नेताओं को बदतरीन मखलूक मानते होंगे, आप ऐसे सरमायादारों को और ऐसे जो है धन्ना सेठों को बदतरीन मखलूक मानते होंगे जो अपने मफादात के लिए इंसानियत को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे वो अभी गुजरात में एक आदमी ने पुल बनाया, पुल गिर गया, उसमें लाखों जो है हजारों लोग मारे गए। तो बदतरीन मखलूक मतलब क्या होता है? इंसान अपने अमल की वजह से, अपने कर्म की वजह से बुरी मखलूक बनती है। तो जब हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि भाई शिर्क कुफ्र सबसे बुरी चीज है, तो जाहिर सी बात है उसको करने वाली सबसे बदतरीन मखलूक है। तो हम क्या करें? उनको कहने बहुत अच्छे लोग हैं ताकि उसी शिर्क पे जमे रहें, तो उनका नुकसान हो जाएगा ना। शिर्क करते रहेंगे उसी पे मर जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हम उनको बाय बर्थ थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो बदतरीन मखलूक है। बर्थ के एतबार से, अपनी पैदाइश के एतबार से, तो हम उनको अपना भाई कह रहे हैं। भाई हम उसको कह रहे हैं कि तुम भी आदम की औलाद हो, हम भी आदम की औलाद हैं, हम सब एक नस्ल से हैं। इन्ना जालनाकुम सुउबा व कबाइला लितआरफू, जो भी ज़ात बिरादरी ख़ानदान ज़बान रंग का इख्तिलाफ है वो सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने हमारी एक पहचान बनाई है। अपनी पैदाइश के एतबार से हम एक इंसान की औलाद हैं। तो हम तो इतना बड़ा फ़ज़ल और करम उनको दे रहे हैं कि हम तुमको अपना भाई बता रहे हैं। तो अपनी ज़ात के एतबार से, अपनी पैदाइश के एतबार से तुम हमारे भाई हो, हमारे ख़ानदान के हो, हम एक बाप की औलाद हैं। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम बदतरीन मखलूक बन जाओगे। और तुम्हारे सामने रास्ता भी रख रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि तुम दलित पैदा हुए तो दलित ही मरोगे। हम तुम्हारे सामने रास्ता भी रख रहे हैं कि तौबा करो शिर्क से कुफर से। अगर वो तौबा करें और शिर्क से, तो फिर हमारे दीनी भाई बन जाओगे, फिर जो है वो बेहतरीन मखलूक बन जाओगे। तो ये तो इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम अपनी पैदाइश, अच्छा ये बात अफसोस की बात है, एतराज़ वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ अच्छा खासा इंसानों का एक तबका सिर्फ इस वजह से बुरा है क्योंकि वो किसी दूसरी ज़ात में पैदा हो गया है, उसका नाम तक लेना जो है ना वो गवारा नहीं करते, वो इस्लाम पे इतराज़ करने की इस्लाम मुशरिकीन को नजिस कह रहा है या मुशरिकीन को बदतरीन मखलूक कह रहा है। इतनी बात करनी है। बहुत बेहतरीन शेख शाबान। मैं इस बारे में ये कह रहा था कि जो नजिस का मामला आया और शरुल बरिया का मामला, जितने भी चीजें आ रही, सरफराज भाई ने जैसे बताया ना शिर्क का, और आपने भी और इससे पहले मैंने भी, तो सारे अल्फाज उसी, सारी बातें शिर्क के गिर्द ही घूमती हैं। तो इसी, अब चाहे जितने एतराज आप लेके आए, चाहे शरुल बरिया का एतराज लेके आए, चाहे नजस का एतराज लेके आए, कोई भी, सारी पॉइंट शिर्क पे है। तो खास इस आयत में आप गौर करें, दो पॉइंट्स बहुत अहम है कि इसमें क्या कहा गया कि भाई वो जहन्नम की आग में होंगे। तो आप एतराज कर सकते हैं कि भाई जहन्नम में क्यों जाएंगे, जैसा कि हर बार हर स्ट्रीम में ये बात आती है, भाई जो जहन्नम में जाएंगे ना उन्हीं को शरुल बरिया कहा गया है, और आप हर बार जहन्नम में जाने वाला सवाल करते हो, उसका एक्सप्लेन होता है। अब जहन्नम में जाएंगे जो, उनको शरुल बरिया कहा गया, तो इसमें बात दो है। एक तो बात ये नहीं है जैसा कि समझाने की कोशिश की जा रही है कि हम उनसे मामला करने में शरुल बरिया कह रहे हैं, यानी उनसे कोई तजारत का मामला है, लेन देन का, उठने बैठने का, एक साथ रहने का, इस तरह के मामलात में हम शरुल बरिया उनको नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिर्क को लेकर के एक रियालिटी बता रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसकी क्या दलील कि आप मामलात में, उठने बैठने में, बोलने चालने में वगैरह वगैरह जो भी है उसमें आप हमको शरुल बरिया नहीं कह रहे, इसकी क्या दलील है? तो भाई इसमें अहले किताब को भी कहा गया मुशरिकीन के साथ। अब अहले किताब ही को लीजिए, मुशरिकीन की तरफ सरफराज भाई ने इशारा कर दिया, अहले किताब ही को ले लीजिए, अहले किताब को मुशरिकीन में स्पेशल राइट, यानी अहले किताब को किताब और नबी की निस्बत से मुसलमानों से ज्यादा करीब कुरान ने रखा है। तो अगर शरुल बरिया का मतलब मामला में शरुल बरिया कहना होता, या तिजारत में, लेन देन में, उठने बैठने में, दुख सुख में शरीक होने में शरुल बरिया कहा गया होता, तो अहले किताब को ये स्पेशल राइट देने की क्या बात है? तो ये दोनों बातें अगर हम सामने रखे हैं तो इसका जो सही मफहूम है वो हमारे सामने रहेगा। बहुत जबरदस्त आंसर आया अलग अलग एंगल से। जज़ाकअल्लाह खैर, बारकअल्लाह।